हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आपके अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, एकदम बल्ले चंगे होंगे। और अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, 2:30 या 3 ऐसे ही कुछ टाइम हो रहे हैं। और मैं गेहूं साफ कर रही हूं, जो कि आटा ख़त्म हो गया है। 2 या 3 टाइम का होगा आटा बस, तो इसीलिए मैं गेहूं को साफ़ कर दूंगी। तो हस्बैंड जी इसे जो है पिसवा के ला देंगे। और कूलर मेरा ख़राब हो गया था, तो कूलर दे के आए हैं बनने के लिए। तो वो 1000 रुपये का खर्चा है, जो कि तो वो बनने गया है, तो अभी आ जाएगा, कल तक आ जाएगा। तो घास भी जो होते हैं ना, ये ख़राब हो गए थे। घास भी 2 साल हो गया था, घास तो ख़राब हो गया था। तो यही घास हस्बैंड जी लेके आए हैं, तो इसे लगा रहे थे इसमें। तो फिर ये ना बड़े बड़े हैं, तो इसे मैं काट के निकाल दे रही हूँ। 2 तो काट के मतलब निकाल दिए थे, ये देखिए आप लोग, अच्छे से निकाल दिए थे। अभी एक बचा हुआ था, जो कि वो कुछ ढूंढने चले गए हैं। तो मैं बैठे बैठे अभी बना रही थी यही गेहूँ, तो मैं भी इसे साफ काटने लगी हूँ। मैं कह रही हूँ लाइए मैं एक काटती हूँ, तो इन्हें काट दिए हैं। और कल बन के आ जाएगा कूलर, तो फिर फाइनली जो है सेट हो जाएगा। तो अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा होने लगी है ना, तो अब खाट वाट मंगा लूँगी मैं। बाहर हम लोग सोएंगे, तो बाहर अपना कूलर लगा लो तो कम ही गर्मी लगेगी, मतलब यहाँ चौक में। और सच बताऊँ तो मेरा चैनल उस दिन मैं रात में एक वीडियो 1 मिनट का डाली थी, 1 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो मैं डाली थी। तो मैं सच में ही बहुत परेशान हो गई थी, इसीलिए आप लोगों को मतलब आप लोगों के साथ शेयर की थी मैं वीडियो बना के। जो कि मेरा चैनल है YT स्टूडियो में, समथिंग इज़ रॉन्ग दिखा रहा था, और उसमें कुछ भी नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं, मतलब बस इतना था जो कि मेरा वीडियो दिखा रहा था और सब्सक्राइबर दिखा रहे थे। बाकी उसमें जो है ना मेरा और कुछ भी नहीं दिखा रहा था, जो भी है हमारा फ़ोटो का वो रहता है, कुछ भी नहीं दिखा रहा था ना। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, और इसी मतलब इसे मैं गूगल पे अपना लगा रही थी, तो वहाँ पे रिमूव दिखा रहा था चैनल, और जो है यूट्यूब पे भी नहीं दिखा रहा था। तो सच में मैं बहुत रोने लगी थी। अभी मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, चैनल मोनोटाइज हो गया है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में ही मुझे बहुत काफ़ी दिन लगे हैं, बहुत ज़्यादा दिन लगा। और बहुत ज़्यादा लाइव वाइव करने के बाद मेरा चैनल जो है मोनोटाइज हुआ। तो ना बहुत मेहनत की हूँ मैं, कम से कम 1.5 साल हो गए मुझे यूट्यूब पर मेहनत करते करते। भले ही मेरा इससे कोई कमाई नहीं है, लेकिन मुझे एक आदत सी पड़ गई है। अभी मेरा कमाई नहीं इससे हो रहा, मेरा पेमेंट नहीं आ रहा है, वो भी आएगा ही अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा है इसी तरह से। तो और थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं, बहुत लोगों का कमेंट आया जो कि मतलब बोले कि मुझे नहीं पता है ये वो, मतलब जो भी है, जिसको भी जैसे भी है, तुम घबराओ नहीं, आ जाएगा चैनल, ऐसे ही हुआ होगा। तो इस तरह से आया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इतना मैं रो रही थी, कम से कम 4 या 5 बजे रात को मैं उस दिन सोई थी, जो कि रात में ही मैं सोने ही जा रही थी, 11 बजे मैं सोने जा रही थी, तभी मैं देख रही हूँ मेरा चैनल, मतलब मेरा आदत सा पड़ गया है, जो कि YT स्टूडियो हमेशा चेक करना, यूट्यूब देखना और क्रोम ब्राउज़र में भी देखना ना। तो मुझे एक आदत सी पड़ गई है अपना चैनल जो है ना, कहते हैं ना कोई हम काम करें तो उसकी एक आदत सी पड़ जाती है, तो मुझे एक आदत सी पड़ गई है। तो मैं हमेशा चेक करती रहती हूँ हर घंटे, मतलब जब भी मुझे टाइम मिलेगा हमेशा YT स्टूडियो खोल के देखती रहूँगी, यूट्यूब खोल के देखती रहूँगी। तो इस तरह से देखते देखते ना मेरा आदत है। तो मैं 11 बज रहे होंगे रात, मैं खोल के देख रही हूँ, तो YT स्टूडियो में दिखा रहा है समथिंग इज़ रॉन्ग। और फिर जा रही हूँ मैं यूट्यूब में देख रही हूँ, वहाँ भी नहीं आ रहा है। गूगल पे अपना कर रही हूँ, तो फिर वहाँ रिमूव दिखा रहा है, चैनल रिमूव हो गया है, ये सब, मतलब मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। और देख रही थी वीडियो, मतलब है वीडियो है मेरा, वीडियो तो दिखा रहा है, तो फिर मुझे लगा कि कुछ डालना चाहिए। तो फिर मैं अपना 1 मिनट का वीडियो शूट की, और तुरंत ही मतलब मुझे लगा कि पता नहीं अपलोड होगा कि नहीं होगा, फिर अब मैंने अपलोड की, तो मतलब अपलोड भी हो गया, तो सब कुछ हो गया। पर फिर भी इसी तरह से दिखा रहा था 3-4 घंटे, मतलब 4-5 घंटे तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही। फिर मतलब थक हार के मैं ऐसे ही छोड़ दी एक वीडियो डाल के। और उसके बाद मतलब थोड़ा थोड़ा कभी आ रहा था, फिर इसी तरह से दिखा रहा था फिर। और क्या है ना, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती है कि मैं जो भी यूट्यूब के हैं सब, कि उन लोगों से मैं बातें करूं। तो फिर
और शाम के अभी बज रहे हैं 5:40 हो रहा है और अभी मैं जा रही हूँ रोटियाँ बनाने, जो कि हस्बैंड जी जाएंगे ड्यूटी, तो रोटियाँ बनाना है और अभी बना दूँगी मैं रोटी। और कढ़ी बना हुआ था दोपहर में, बना था कढ़ी, तो वही है अभी कढ़ी और वही अभी और जो है गर्म कर दूँगी और फिर रोटी बना दूँगी, ले कर चले जाएँगे। और जो भी है घर का काम वो तो मैं ख़त्म कर दी हूँ शाम का टाइम का जो भी काम होता है, और पहले अभी बस रोटियां बनाना बाकी है जो कि बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर उनको लेट होगा। और उसके बाद थोड़ा काम है मेरा जो कि मैं काम करती हूँ, तो वो भी लेके आई हूँ, तो उसे करना ही है, उसे पूरा करके बांध के देना रहता है, तो वो मैं बाद में करूँगी, जो कि अपना रात में थोड़ा कर लेती हूँ और थोड़ा सुबह कर लेती हूँ, तो वो करूँगी मैं अभी। और सच बताऊँ तो जब से चैनल मेरा मतलब थोड़े देर के लिए ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, और इतने मेहनत के बाद मतलब यहाँ तक पहुँची थी मैं, लेकिन आप लोगों का बहुत धन्यवाद है और भगवान जी का सच में बताऊं कि बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं मैं कि फिर से मतलब सब सही हो गया। तो चलिए अभी ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, रोटियां बनाएंगे। और हमारी बेटी रानी जो है ना गुब्बारे से खेल रही हैं, परी आना आ जाओ गुब्बारे दिखा देना अपना, आओ अल्लाह आया तो हेलो 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 हेलो, गुब्बारे देखो आप लोग, जाओ खेलियो। तो अभी चल रही हूँ मैं बना लूँ रोटियाँ। तो वैसे ही करते करते अपना बहुत कोशिश करने के बाद मतलब आ गया चैनल फाइनली, और सुबह तक एकदम अच्छे से ठीक हो गया। तो कल तो मतलब मैं वीडियो नहीं डाली, फिर मैं आज डालूँगी वीडियो। और सच में मैं बहुत परेशान हो गई थी इतने में ही। और सही बताऊँ ना, जिनके बड़े बड़े चैनल हैं वो लोग कितने परेशान होते होंगे जब उनका चैनल डिलीट हो जाता है, हैक हो जाता है, तो सच बताऊँ तो उन लोगों पे क्या बीतता होगा। हमारा तो फिर भी अभी मतलब भले ही हम मेहनत काफ़ी दिन से कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारा जो वीडियो काफ़ी वायरल नहीं हुए हैं, तो मतलब ज़्यादा फ्रेंड भी नहीं है, कमी है, लेकिन फिर भी इतना ही में मतलब ज़्यादा फैमिली भी हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ही में मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, रोना आ रहा था। मैं यही सोच रही थी अब क्या करूँ कैसे करूँ। और सच बताऊँ ना, बड़े बड़े जो यूट्यूबर होते हैं उनके मतलब फ्रेंड भी होते हैं बताने वाले, और मतलब काफ़ी लोगों से संपर्क रहता है, लेकिन अभी हम हैं ना छोटे यूट्यूबर हैं, तो हमें अभी उतना कोई नहीं पूछता है, मतलब अभी उतने नहीं हमारे फ्रेंड हैं, उतना नहीं हमारा किसी से संपर्क होता है। तो इस वजह से ना मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा मैं सोच रही थी क्या करूँगी। और मेरे घर में भी मैं ही हूँ जो कि मुझे कुछ भी आता है यूट्यूब के बारे में, तो थोड़ा बहुत मुझे ही नॉलेज है, बाकी किसी को भी नहीं है कि कोई मेरा हेल्प कर देगा घर से भी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, लेकिन थैंक गॉड कि मतलब यूट्यूब का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वापस मतलब मेरा चैनल दे दिए। और आप लोगों का भी दिल से धन्यवाद, जो आप लोग मतलब आप लोगों को पता नहीं था, तो आप लोग भी इसी तरह से कई सारे कमेंट आए कि इस विषय में हमें भी नहीं पता है, वीडियो मतलब दिख रहा है ठीक हो जाएगा, ये सब आप लोग किए तो कमेंट किए, मुझे अच्छा लगा। तो बस यही सब है ना, अभी वीडियो डेली कंटिन्यू करना चाह रही हूँ मैं, और ये सब देख के ना मेरा दिमाग ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। और अभी ये देखिए बर्तन धुल के रखी थी मैं, तो बर्तन को अभी जाली में लगा दी हूँ, और जो है और रोटियां बन गया है, तो इन रोटियों को अभी मैं पैक कर देती हूँ। हस्बैंड जी जाएंगे ड्यूटी, और ना शाम को जब वो ड्यूटी जाते हैं तो अपना टिफिन नहीं लेके जाते हैं बड़ा वाला, ये जो ना रसगुल्ले लेके आते हैं तो इनमें ही दे देती हूँ मैं, तो ये सही पड़ता है। वो बोलते हैं ना कि शाम का जो है मुझे बड़े टिफिन में मत दो, क्योंकि फिर जो है ना थोड़ा ही लेके जाना रहता है शाम का टाइम। तो बस अभी पैकिंग हो गया है उनका टिफिन भी, अभी अभी हस्बैंड जी गए हैं ड्यूटी, और मैं पी रही हूँ चाय अभी, और चाय बनाई हूँ तो वो भी पी के अपना चले गए हैं, और मैं जा रही हूँ अभी पीने क्योंकि उनका टिफिन भी लगाना मुझे ज़रूरी था। और परी को देखिए नीचे खेल रही है, और मैं अभी चल रही हूँ चाय पी के, फिर उसके बाद जो भी बर्तन वर्तन है ना इसी टाइम धुल लूँगी, नहीं तो फिर सुबह जग के धुलना अच्छा नहीं लगता है। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक रहेगा, अब अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।